ओवैसी साहब ने कहा कि डिलिमिटेशन का क्या करोगे? अरे चले गए, छोड़ दो, चलो। श्री नायडू ने कहा कि गृह मंत्री जी एश्योरेंस देंगे कि हम चुनाव करा देंगे, इलेक्शन हमें नहीं कराना होता है, चुनाव इलेक्शन कमीशन ने कराना होता है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनुशंसा करेगा, माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड की भी देरी चुनाव कराने में हमारी सरकार नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय नहीं है, मगर जवाब चाहिए तो मैं दे दूं उसका। आप खड़े होकर रिकॉर्ड पर कह दो, मैं तुरंत जवाब दे दूं। 13 बार आपने करा है, जब आपकी बारी आई तब सहन नहीं होता है? 13 बार ऐसे चुनाव कराए कांग्रेस पार्टी ने, और देश की सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया इसको, देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको निकाल दिया है। एंग्री नहीं हो रहा हूं, एंग्री जरा भी नहीं हो रहा हूं भैया। इतना है, ऐसा है, सुनिए तो मैं बताता हूं। आवाज, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं, आवाज ऊंची हुई है, सुनिए भाई, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं, मेरी आवाज ऊंची हुई है। इसलिए ऊंची हुई है कि अगर किसी को न सुनाई पड़े तो ध्यान से सुन। माननीय अध्यक्ष जी, जसबीर जी ने कहा, अरे भैया इसमें इतना पर्सनली क्यों लेते हो? कोई आदमी की आवाज बड़ी हो सकती है, आवाज पे क्यों जाते हो? कंटेंट पर जाओ। साहब हसनान साहब ने कहा कि 370 है। मैं मानता हूं हसनान साहब 370 है, मगर आगे अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं। ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं, और या तो जानबूझकर पढ़ते नहीं हैं। 370 हमारे संविधान का अस्थाई मुद्दा है, ये याद रखिएगा। और शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है, शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि अप्रोच में परिवर्तन, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सदन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे अप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा अप्रोच पहले भी वो था, आज भी वो है, आगे भी ये रहेगा। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, संस्कृत और शिक्षित बनाने का अप्रोच जस का तस हमारा पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए परिवर्तन की चिंता न करें माननीय अध्यक्ष जी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दोनों बिल जो आज मैं लेकर आया हूं वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए है। एक विशिष्ट प्रकार की सिचुएशन खड़ी हुई है। ओवैसी साहब ने यह भी पूछा था कि भाई इसके साथ चुनाव क्यों नहीं कराए गए, काफी मेंबरों ने भी पूछा कि लोकसभा के साथ चुनाव क्यों नहीं कराए गए। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, लोकसभा की 6 सीट होती है, 6 प्रत्याशी होते हैं। जब असेंबली का चुनाव करते हैं तो ढेर सारी जगहों पर असेंबली के चुनाव होते हैं, ढेर सारे प्रत्याशी होते हैं। लोकसभा के साथ इन सबको सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। ढेर सारी सुरक्षा की ऊर्जा भारत विरोधियों को सुरक्षा देने में खर्च होती थी, अब उससे मुक्ति मिल गई है। चुनाव आयोग जब भी कहेगा हम तुरंत चुनाव करा लेंगे।